मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को 18 महीने ही हुए हैं। शादी के 6 महीने बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन अब मेरे पति मुझसे अलग होने की बात करते हैं। दरअसल वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है, इसके पीछे उनकी 2 बहनों का हाथ है। दरअसल हमारे पड़ोस में 2 लड़कियां रहती हैं, जिन्हें मेरे पति अपनी सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी माँ नहीं है। यही एक वजह भी है कि उनकी देखभाल मेरी सासू माँ ने ही की, जिसकी वजह से उनके बीच एक अच्छा बॉन्ड है। हालांकि मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब वो दोनों लड़कियां मेरे लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। वो दोनों मेरे पति को मुझसे अलग होने के लिए बोलती हैं। वो दोनों मुझे देखकर जलती हैं। यहाँ तक कि जब मैं अपने पति से बात करती हूँ या उनके साथ हंसती हूँ, तो वो उनसे बहुत बुरी तरह से झगड़ा करने लगती हैं। शुरुआत में मुझे लगा शायद वो मेरे साथ सहज नहीं है, लेकिन ऐसा हर दिन होता देख मुझे समझ आ गया कि वो ये सब जानकर करती हैं। मैं अपनी मैरिड लाइफ तंग आ चुकी हूँ। मैं अपनी शादी को बनाए रखने के लिए दिन रात केवल सब कुछ सह रही हूँ। मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सब से कैसे निपटूं। प्रिडिक्शन फॉर सक्सेस के संस्थापक और रिलेशनशिप कोच विशाल भारद्वाज कहते हैं कि मैं आपकी परेशानी से अच्छे से वाकिफ हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि इस सिचुएशन में फंसकर आप कैसा फील कर रही होंगी, लेकिन इसके बाद भी मैं यही कहूँगा कि इस रिश्ते को थोड़ा समय दें। ऐसा इसलिए क्योंकि असुरक्षा किसी भी रिश्ते में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये केवल पति पत्नी के बीच ही नहीं है, बल्कि भाई बहन, हमारे दोस्त, परिवार और यहाँ तक कि माता पिता जैसे रिश्तों भी ये शामिल है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पति का उन दोनों लड़कियों के साथ बहुत मजबूत बंधन है, तो यहाँ बहुत लाजमी सी बात है कि वो आपकी वजह से बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। वो सोच रही है कि अब आप उनके भाई की जिंदगी का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से उनकी अहमियत कम हो जाएगी। यही सबसे बड़ा कारण भी है कि वो आपके और आपके पति के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि आप दोनों कभी भी करीब न आए। हालांकि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी ससुराल वाले ऐसा करते ही हैं। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे बदला नहीं जा सकता। मेरी कहानी, मुझे अपने पति के साथ शादी जैसा कुछ भी फील नहीं होता। क्या ये हमारे रिश्ते का अंत है? जैसा कि आपने कहा कि आपकी शादी को 1 ही साल हुआ है, ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। मैं आपको अपने पति के साथ इस बारे में स्पष्ट रूप से बात करने की भी सलाह दूंगा, लेकिन बातचीत करने से पहले आपको अपने पति को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप उनके और उनकी बहनों के रिश्ते को बहुत पसंद करती हैं। उन्हें ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी वजह से उनके रिश्ते में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। आप हमेशा उनकी बहनों का समर्थन करेंगे। एक बार जब आप अपने पति के इस भरोसे को जीत लेंगी, तो आपके पति भी इस बात को समझेंगे कि उनकी बहनें आपके साथ क्या कर रही हैं। वही अगर आप भी वही सब कोशिश करेंगी जो आपके पति की बहनें आपके साथ कर रही हैं, तो आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? मेरी कहानी, मुझे अपनी पत्नी की वजह से उधार लेना पड़ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि हिम्मत न हारे, धैर्य से काम लें। ऐसा इसलिए क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। शादी की शुरुआत में ज्यादातर कपल्स को अपने रिश्ते में बहुत ही कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें बाहर निकलना ही कपल्स को सबसे आसान लगता है। आपके साथ भी ऐसा ही देखना को मिल रहा है। ऐसे में सबसे सही यही है कि खुद को और इस रिश्ते को थोड़ा समय दें, ताकि आप दोनों के बीच जो भी परेशानी आ रही है,
वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, वहीं अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे।